दिल्ली की आग अब मध्य प्रदेश सहित रीवा तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में चुनावों के बाद भी सियासत उफान पर है। रीवा में जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस पर नाराजगी जताते हुए आज जमकर विरोध किया गया है। यहां शहर के शिल्पी प्लाजा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये पूरा मामला उपराष्ट्रपति के मिमिक्री वाले वीडियो से जुड़ा है। इस वीडियो को लेकर बीजेपी में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। पुतला दहन के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि बीते मंगलवार को सदन के बाहर कई सारे विपक्षी सांसद खड़े थे। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीश धाकर की मिमिक्री की थी, जिसका वीडियो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बनाया था। इस वीडियो को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीश धाकर ने आपत्ति भी जताई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी नेताओं की ऐसी हरकत को गलत बताया था। इसी मामले को लेकर आज बीजेपी ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया है। जैसा कि आप सबने देखा है, देश की सर्वोच्च सदन उच्च सदन राज्यसभा के अंदर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा देश के उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद में बैठे जगदीप धनखड़ जी का जिस तरह से अपमान करने का काम किया गया है, और उससे भी शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी की युवराज, जिन्हें हम सब पप्पू के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा इस घटना का वीडियो बनाया जा रहा था। निश्चित तौर पर यह देश की सर्वोच्च संस्था का अपमान है, सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी किसी भी संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के द्वारा कल्याण बनर्जी का और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है। और मैं मांग करते हैं कि सोनिया गांधी सामने आए और जवाब दें कि ये क्या है, संवैधानिक संस्था का अपमान यह देश नहीं सहन करेगा। कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए। इसके तौर पर जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मैं दुनिया के सामने अपने देश की जनता को चाहता हूं कि कांग्रेस को देश के अंदर कांग्रेस मुक्त बनाया जाए। जब तक देश कांग्रेस मुक्त नहीं होगा, इस तरह संवैधानिक संस्थाओं का अपमान होता ही रहेगा।